हेलो बच्चों, दसवीं क्लास में आप लोगों को लेसन नंबर 14, लेसन नंबर 14 सांख्यिकी चैप्टर है, जो आपने नवीं कक्षा में भी पढ़ा हुआ है और वहाँ आपने माध्य माध्यिका बहुलक निकालना सीखा था और वहाँ सभी बच्चों को बहुलक बड़ा अच्छा लगता था। बोलते थे सर ये तो बहुत सरल है, इसमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, आसान है, जल्दी से आंसर आ जाता है। इसीलिए मैंने अपने दसवीं कक्षा में पढ़ाने की शुरुआत सांख्यिकी चैप्टर से की है, क्योंकि ये बच्चों को अच्छा लगता है। जो आखिरी का चैप्टर सांख्यिकी है, बच्चों का फेवरेट होता है, इसमें बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं, सभी बच्चे क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं और बच्चों का इसमें इंटरेस्ट भी बहुत होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती। अब नवीं कक्षा में आपने माध्यमिका बहुलक निकालना सीखा था, बहुलक सबको अच्छा लगता था, इसीलिए दसवीं कक्षा में मैंने वीडियोस बनाने की शुरुआत बहुलक से ही की है। हम माध्य भी सीखेंगे, माध्यिका भी सीखेंगे, बहुलक भी सीखेंगे, लेकिन पहले हम बहुलक निकालना सीख जाते हैं, क्योंकि ये आसान है और इसमें आपका थोड़ा सा जो डर है वो निकल जाएगा। आपने नवीं कक्षा में जो बहुलक सीखा था वो बड़ा आसान था, एक व्यक्ति का श्रेणी का था, सिर्फ नंबर्स दिए थे और जो सर्वाधिक बार आया, सर्वाधिक बारंबारता जिसकी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा बार आया उसको आप बहुलक मान लेते थे। लेकिन दसवीं कक्षा में प्रश्नावली 14.2 में इसे दिखाया गया, बहुलक निकालना इतना आसान नहीं, आसान नवीं कक्षा के हिसाब से आसानी, पर दसवीं कक्षा में ये थोड़ा सा मतलब बिल्कुल ना के बराबर कठिन हो जाता है, और सिर्फ उसी बच्चे के लिए कठिन है जिसको गुणा और भाग नहीं आता है। तो मैं एक बार फिर आप लोगों से ये स्पेशल मैसेज दूंगा कि भाई जो आपको टाइम मिला है छुट्टियों का, लॉकडाउन का, इस बीच में आप गुणा और भाग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ये ज़रूर सीखें, इसके बिना तो भैया आप लोग मैथ्स नहीं कर सकते। टेबल याद करें, समझने की कोशिश करें। चलो वो तो मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ, वो तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, दसवीं में पहुँच चुके हो, पहाड़े तो कम से कम याद चाहिए, गुणा भाग तो कम से कम करते आना चाहिए, आगे परेशानी जाएगी बेटा। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आप लोगों को बहुलक निकालना सिखाता हूँ। ये हमारा 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित सारणी से किसी अस्पताल के विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु दी है। ये जानकारी तो कुछ भी हो सकती है, किसी की भी जानकारी आपको दी जा सकती है, ये अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों की जानकारी है, इससे आपको बहुलक निकालना है। ये तो कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 से 15 वर्ष के 6 रोगी अस्पताल में भर्ती हुए, उसके बाद 15 से 25 वर्ष के 11 रोगी अस्पताल में भर्ती हुए, फिर 25 से 35 वर्ष के 21 रोगी अस्पताल में भर्ती हुए, ये जानकारी तो कुछ भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे लिखा है बहुलक ज्ञात कीजिए, माध्य भी ज्ञात कीजिए, तो माध्य तो हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले मैं बहुलक निकालना सिखाता हूँ। मैंने इसे आपके लिए खुद हल करके रखा हुआ है, देखिए। सबसे पहले जो वर्ग है, ग्रुप, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, इसको एज इट इज ऐसा कैसा लिख दें। और जो रोगियों की संख्या है, सिर्फ रोगियों की ही संख्या नहीं, किसी भी चीज़ की संख्या को आप लोगों को फ्रीक्वेंसी मान लेना है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, ठीक है। और फिर इसे मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कि जो आप लोगों का सबसे मेन पॉइंट है कि इसमें आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्या करना है, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो आप लोगों का वर्ग है, ग्रुप, तो आपको अपने क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, और उसके बाद आपको किसी भी चीज़ की संख्या दी हो सकती है, वर्ग किसी का भी हो सकता है, आयु वर्ग किसी का भी हो सकता है, जानकारी किसी की भी हो सकती है, आपको सिर्फ अपने वर्ग को थोड़ा सा मैं इस पे ध्यान देता हूँ, आपके वर्ग को सिस्टमेटिक तरीके से लिखने के बाद जो नंबर 2 पे आपको दिया था रोगियों की संख्या, नंबर ऑफ पेशेंट्स, उसको आवृत्ति मान लो और फ्रीक्वेंसी यानी इसको शॉर्ट मेथड में एफ से शो कर दो। और अब आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, जो आपका सबसे बड़ा अंक है, आवृत्ति, सबसे बड़ी आवृत्ति दिख रही है आपको 23, 23, इसे F1 मान ले,
उसके ऊपर वाले को, जस्ट उसके ऊपर वाले को देखो, सबसे पहले बड़ा वाला अंक देखे, बड़ी वाली आवृत्ति क्या दिख रही है आपको, 23। इसे F1 मान ले, उसके जस्ट ऊपर चाहे वो कुछ भी हो F0 मान ले, और उसके नीचे वाले को F2 मान ले, और जो सबसे बड़ा अंक है वो उसका जो वर्ग है वो बहुलक वर्ग माना जाएगा, मोड जिसे आप इंग्लिश में कहते हो ग्रुप माना जाएगा। पहले वाले को निम्न सीमा कहेंगे L1, दूसरे वाले को उच्च सीमा कहेंगे L2। पहला क्वेश्चन होने की वजह से आपके दिमाग में इसे मुझे दोबारा डालना पड़ेगा। देखिए, जो सबसे पहले नंबर पे है वो वर्ग है, ग्रुप है, आयु वर्ग है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, और उन आयु वर्गों में किस किस आयु वर्ग में कितने रोगियों की संख्या है ये आपको दी हुई है, ये तो आपका क्वेश्चन है, इससे आपको नहीं घबराना है। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, ये तो मैंने क्वेश्चन ऐसा कैसे लिख दिया है। क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए जो रोगियों की संख्या थी, फ्रिक्वेंसी F जिसे माना गया है, यानी वर्ग के बाद जो दिया है वो रोगियों की संख्या है, और उसको आप F मानेंगे, और उसमें सबसे बड़ा जो अंक है, सबसे बड़ी बारंबार था, उसे F1 मान लिया जाएगा, उसके ऊपर वाले को F0 मान लिया जाएगा, और नीचे वाले को F2। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, जो जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है, मतलब आपने नवीं कक्षा में भी यही तो किया था, जो अंक बार बार आया वो बहुलक होता था, उसी प्रकार यह क्या हुआ, 35 से 45 साल के सबसे ज़्यादा मरीज, सबसे ज़्यादा रोगी अस्पताल में भर्ती है, सबसे ज़्यादा आवृत्ति 35 से 45 साल के मरीजों की है, तो उसे बहुलक वर्ग मानकर F1 माना जाएगा, उसके ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को F2। और सबसे बड़े आवृत्ति के सामने वाला जो वर्ग है 35 से 45, ये आपका बहुलक वर्ग माना जाएगा, इसको L1 कहेंगे और इसको L2। ये आपको इस एक्सरसाइज के पूरे 6 क्वेश्चन में करना है, और मैं इस वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको ये पूरा वीडियो देखना है, ध्यान रहे पूरा वीडियो एक ही बार में देखोगे तब आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, और इसके बाद के 3 क्वेश्चन आप बिना समझे भी कर सकते हो अपनी मर्जी से, अगर आप चाहे तो। जैसे मैं अगला वीडियो अगले 3 क्वेश्चन का बनाऊंगा, देखते हैं कितने बच्चों के समझ में आता है। इसका फॉर्मूला है जैसे कि मैंने आपको समझाया, ये वर्ग है L1 और L2, 35 से 45, F1 यानी सबसे बड़ा आवृत्ति, उसके ऊपर वाली F0 और नीचे वाली F2, ये इसका सूत्र है, ये इसका फॉर्मूला है। सूत्र को ठीक से देखें, बहुलक को जेड से प्रदर्शित करेंगे, L1 ब्रैकेट के बाहर है, फिर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर जानकारी जो है F1 माइनस F0 अपॉन में F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। ये यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूले में मिस्टेक है, यहाँ 2F1 है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आगे है L2 माइनस L1। फॉर्मूला ठीक से देखिए, बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू ब्रैकेट के बाहर L2 माइनस L1। अब आपको फॉर्मूले में बस उठा के इसको जमाना है और कुछ भी नहीं करना है। देखिए L1 की जगह 35 आएगा प्लस F1 माइनस F0 23 माइनस 21 2 इंटू 23 माइनस F0 की जगह 21 माइनस F2 की जगह 14 और ब्रैकेट के बाहर L2 माइनस L1 45 माइनस 35 जमा दिया इसे। अब इसे आगे सॉल्व कैसे करेंगे भाई, जो ब्रैकेट के बाहर है L1 35, इसे आप कुछ नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा और 23 में से 21 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, 23 2 46 23 दूनी 46 होता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन आंसर माइनस में आता है, 21 और 14 35 और यहाँ इन दोनों के बीच में माइनस है तो इन दोनों का माइनस करके हमने 10 लिख दिया, और अब यहाँ इन दोनों के बीच में माइनस होने की वजह से पहले इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो 11 आएगा, और यहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है कि पहले क्या करें भैया, पहले तो आप लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट तो सॉल्व हो ही रहा है,
इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 46 आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, पर आंसर माइनस में आएगा 35, फिर इन दोनों को माइनस करके नीचे आएगा 11, और टर्निंग पॉइंट यहाँ से आपका टर्निंग पॉइंट होगा, यहाँ पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे 10 × 2 = 20, उसके बाद इस 20 को 11 से भाग दोगे। अब मैंने बोल दिया कि 10वीं कक्षा के बच्चों को भाग देना सिखाया नहीं जाता है, इसकी प्रैक्टिस करें, 20 को 11 से भाग दीजिए, 1.82 आएगा, 1.82, और अंत में इसे 35 में प्लस करेंगे तो 36.82 आपका आंसर बहुलक का आया, और 36.82 जो है वो 35 से 45 के बीच में है, यानी आपका आंसर इन दोनों के बीच में आना चाहिए। अब आप अपना सेकेंड क्वेश्चन देखें, सेकेंड क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है, देखिए। निम्नलिखित आंकड़े 225 कंपनी उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं, मतलब मैंने पहले बोल दिया आपको कि क्वेश्चन में कुछ भी जानकारी हो सकती है, इससे नहीं घबराना है आपको। ये किसी कंपनी के बिजली उपकरणों का जीवन काल दिया है, जैसे 20 घंटों तक 10 उपकरण चलते हैं, 20 से 40 घंटे के 35 उपकरण हैं, 40 से 60 घंटे के 52 उपकरण हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो कुछ भी हो सकता है। आपको उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है, मतलब सीधे सीधे बहुलक निकालना है, तो इसे भी मैंने इस क्वेश्चन को करके दिखाया है। देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए आप जो वर्ग है उसे मैंने ग्रुप बोलकर जमा दिया है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, अपनी बुक में आप इसे देख सकते हो, और बारंबारता को फ्रिक्वेंसी माना है, वर्ग के बाद जो दिया उसे एफ मान लो, इस तरीके से लिख दिया है, और सबसे बड़ा जो वर्ग है, सॉरी सबसे बड़ा जो आवृत्ति है, सबसे बड़ी जो आवृत्ति है उसे F1 मान लिया, उसके ऊपर वाले को F0 मान लिया, नीचे वाले को F2 मान लिया, और सबसे बड़े वर्ग के सामने वाले, सबसे बड़ी आवृत्ति के सामने वाले वर्ग को बहुलक वर्ग मानकर L1 और L2 बोल दिया गया, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया L1 L2 यहाँ 60 से 80 है, F1 61 है, F0 52 है, और F2 38 है। मैं एक बार फिर आपसे पूछूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, अपने क्वेश्चन के वर्ग को एज इट इज़ ऐसा कैसा लिख दे, और उसके बाद जो भी आपको दिया है वो बारंबारता है फ्रिक्वेंसी, उसे भी एज इट इज़ ऐसा कैसा लिख दे, और जो सबसे बड़ी आवृत्ति आपको दिख रही है, सबसे बड़ा आंकड़ा जो आपको दिख रहा है उसे F1 मान ले, उसके ऊपर वाले को F0 मान ले, और नीचे वाले को F2 मान ले, सबसे बड़ी आवृत्ति के सामने वाले को वर्ग को L1 और L2 मान ले, और फिर अपना फॉर्मूला लगा दे। देखिए दिख रहा है, बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। L1 की जगह 60 आएगा, 60, F1 माइनस F0 की जगह 61 माइनस 52 आएगा, उसके बाद 2 × F1 2 × 61 माइनस F0 की जगह 52, F2 की जगह 38, और L2 माइनस L1 की जगह 80 और 60 आएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पूरा लिख के दे दिया है, और फिर उसके बाद पहले 61 में 52 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 61 × 2 = 122, 61 × 2 = 122 माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन आंसर माइनस में आएगा, 52 और 38 = 90, और इधर 80 में से 60 गया तो 20 आएगा, फिर इन दोनों को माइनस पहले करेंगे, इन दोनों को माइनस करके 32 आएगा, और टर्निंग पॉइंट यहाँ आता है, यहाँ बच्चे अंत में गलत कर देते हैं, पहले आपको 20 का 9 से गुणा करना है, 180 आएगा, और 180 को 32 से भाग दे के देखिए रफ में 5.63 आएगा, और फिर अंत में 60 में 5.63 प्लस करेंगे, 60 और 5 65.63 आपका बहुलक आएगा, ठीक है।